देखो बच्चों, हमने देखा अभी कि हमारे पास ये हमारा लाइन का इक्वेशन था, ठीक है। देखो क्या था इसमें, मान लो मेरे पास कोई लाइन है, ये एंगल थीटा है और ये पॉइंट गिवन पॉइंट है एक्स वन वाई वन, और देखो ये एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई, और ये डिस्टेंस आर है। देखो जो थीटा है वो लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल, देखो ध्यान दो, अगर मान लो मैं लाइन का एंगल वाई एक्सिस के साथ में देखूं तो वो फाई हो जाएगा। मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस ट्रायंगल से मैं कह सकता हूं थीटा प्लस फाई बराबर 90। तो देखो जैसे अगर मैं थीटा को लिखूं 90 माइनस फाइव, देखो यहां पर ये साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस फाइव, मतलब देखो ये हो गया कॉस फाइव। देखो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई कॉस फाई बराबर आर। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान दो, ठीक है, यहां पर फाई हो गया फाई। देखो ध्यान दो, जब हम 3D में लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन a, y माइनस वाई वन अपॉन b और z माइनस जेड वन अपॉन c। देखो ये जो ABC है ये DR ऑफ लाइन होता है, DR ऑफ लाइन। मैंने बताया था कि ABC की जगह पर हम LMN भी ले सकते हैं, तो देखो लाइन हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन l, y माइनस वाई वन अपॉन m और z माइनस जेड वन अपॉन n। देखो ध्यान दो ये l क्या होता है, l होता है cos अल्फा, तो इसकी जगह हम cos अल्फा भी लिख सकते हैं, और m क्या होता है, है ना, देखो यहां पर LMN है ना, m होता है cos बीटा और n होता है cos गामा। अल्फा क्या है, लाइन का x एक्सिस से एंगल, बीटा क्या है लाइन का y एक्सिस से एंगल, गामा क्या है लाइन का z एक्सिस से एंगल। देखो ध्यान दो हम इसी को x माइनस एक्स वन बाई cos अल्फा, y माइनस वाई वन बाई cos बीटा और z माइनस जेड वन बाई कॉस गामा कह सकते हैं। और ध्यान दो अगर हम इसको r मान लें तो देखो ये बिल्कुल वही जैसे यहां पर r क्या है, r है एक्स वाई और एक्स वन वाई वन के बीच का डिस्टेंस, तो यहां पर भी ये जो r होगा, ये जो r होगा ये एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स वाई जेड के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए इज आर, याद रखो। मतलब जब नीचे एबीसी होगा तो जो आर है वो डिस्टेंस नहीं होगा। देखो एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, तो अगर नीचे डी आर है तो ये आर एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स वाई जेड के बीच का डिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर नीचे एलेमेन है, अगर नीचे एलेमेन है या नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो ये जो आर होगा ये एक्स वाई जेड और एक्स वन वाई वन जेड वन के बीच का डिस्टेंस होगा। 3D में भी याद कर लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नीचे मैं DC ले लूं और यहां पर R मान लूं तो वहां पर भी ये जो R होगा ये XYZ और X1Y1Z1 के बीच का डिस्टेंस बताएगा, ध्यान देना, जैसे यहां पर हो रहा है ना। तो ये हम जो 2D में लाइन पढ़ते हैं, देखो यहां पर थीटा X एक्सिस से एंगल, फाई क्या हो गया Y एक्सिस से एंगल, यहां पर भी देखो ये अल्फा X एक्सिस से एंगल, बीटा वाई एक्सिस से एंगल और गामा जेड एक्सिस से एंगल, दोनों लाइंस बिल्कुल करस्पोंडिंग है एक दूसरे के, है ना। तो इसको चीजों को मिलाने से क्या होता है ना, याद रखना आसान रहता है। जैसे हम जब कंपटीशन में जाते हैं तो कंपटीशन जो है वो किसी एक टॉपिक का टेस्ट नहीं है, वो पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट है, तो वहां पर हमें ज्यादा ज्यादा बातें याद होनी चाहिए।
तो चीजों को मिलाने से याद रखना थोड़ा आसान रहता, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चीजों को रिलेट करूँ। जैसे मैंने 2D में लाइन को 3D के प्लेन से कितनी जगह पर रिलेट किया, हर जगह रिलेट किया मैंने, जानबूझकर किया, जिससे चीजों को याद रखने में आसानी रहे। लिखो जरा बच्चों पर ध्यान से इसको यहाँ पर।